हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आंचल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं वेडिंग हैक्स। सेकेंड पार्ट है ये वेडिंग हैक्स वीडियो का। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं एंड उससे पहले मैं और भी काफ़ी सारी वेडिंग हैक्स वीडियो शेयर कर चुकी हूं ऑलरेडी। इन केस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं पहले, तो आप वेडिंग हैक्स वाली वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करना। बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ हैं एंड काफ़ी डिफरेंट हैं। एंड या चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सो फॉर द फर्स्ट लुक मैंने यहाँ पर रेड कलर में क्रॉप टॉप पहना है एंड प्लाजो पैंट्स पहने हैं एंड इसके ऊपर से मैं अपनी इस शॉर्ट चिकनकारी कुर्ती को लेयर कर लूंगी। सेम कलर में मैंने सब कुछ रखा है, तो अपनी चिकनकारी कुर्ती को आप डेफिनेटली इस तरह से यूज कर सकते हैं। समर्स में बहुत कंफर्टेबल होती हैं ये चिकन कुर्तीज, तो जिस कलर की आपकी कुर्ती है ना, उस कलर की ही आपको अंदर से एक लेयर ऐड करनी है। हम इसके अंदर स्लिप वगैरह तो पहनते ही हैं, बट स्लिप की जगह पर हमको एक अंदर से लेयर को ऐड कर देना है। आप क्रॉप टॉप प्लाजो पैंट्स पहन सकते हैं, क्रॉप टॉप या फिर स्कर्ट पहन सकते हैं, या फिर वन पीस में भी रख सकते हैं, एक पूरी लॉन्ग ड्रेस अंदर से पहन सकते हैं। सेम कलर में जिस कलर की कुर्ती है उसी कलर की लेयर अंदर से आप पहन लीजिए, ऊपर से अपनी चिकनकारी कुर्ती पहन लीजिए और एक इंस्टेंट वेडिंग लुक आप क्रिएट कर पाएंगे इस तरह से। किसी ज्वेलरी के साथ पेयर अप कर लीजिए। मैंने यहाँ पर ये दुपट्टा भी इसके साथ ऐड कर लिया है। बड़े बड़े झुमकी इयररिंग्स पहने हैं सिल्वर में एंड किसी भी दिन के छोटे मोटे फंक्शन के लिए, संगीत, मेहंदी, हल्दी के लिए आप इस तरह का लुक एक क्रिएट कर सकते हैं अपनी पुरानी ही चिकनकारी कुर्ती के साथ। चाहे वो कुर्ती आपकी शॉर्ट है या फिर लॉन्ग है, इस तरह से ज़रूर आप उसको ट्राई करके देखना एक बार। सो नेक्स्ट हैक इज फॉर योर स्किन। अगर आप चाहते हैं घर पर रहकर ही सैलो लाइक क्लीन अप और एक ग्लो अगर आप ऐड करना चाहते हैं घर पर रहकर ही बिना पार्लर जाए, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन आएगा, बहुत सारे बैक टू बैक इवेंट्स आएंगे, तो बार बार पार्लर जाना भी सेफ नहीं है इन दिस कोविड सिचुएशन। नेवर कॉम्प्रोमाइज फॉर योर सेफ्टी गाइज। मैं तो बिल्कुल भी अभी पार्लर्स वगैरह नहीं जा रही हूँ, कितने टाइम से नहीं गई हूँ, सब कुछ मैं घर पर ही कर लेती हूँ। सो घर पर रहकर ही अपनी स्किन के डीप क्लीनअप के लिए, इंस्टेंट ग्लो ऐड करने के लिए, आई एम फॉलोइंग द 3-स्टेप क्लीनअप रूटीन फ्रॉम प्लम गुडनेस ग्रीन टी रेंज। ऑनेस्टली दिस वीडियो इज इन एसोसिएशन विद प्लम गुडनेस, बट आई लव दिस ग्रीन टी रेंज। ये मुझे बहुत अच्छा सूट करता है, ये मेरी स्किन के लिए ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, स्पेशली इन समर। समर्स में आई लव दिस रेंज, क्योंकि मेरे पिम्पल्स एंड एक्ने, ऑयल, सब कुछ ना कंट्रोल में रहता है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मैं आपको भी ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करना अगर आपकी स्किन ऑयली है। सो द फर्स्ट स्टेप इन दिस रूटीन इज़ दिस ग्रीन टी फेस स्क्रब एंड इसमें बहुत जेंटल छोटे छोटे बीड्स हैं जो बहुत जेंटली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। मैं थोड़ा सा लेती हूँ अपनी स्किन पे, इसको ऐसे सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से रब करती हूँ 2-3 मिनट्स के लिए, फोरहेड पे, चीक्स पे, अराउंड नोज, इसको सब जगह पर मैं अच्छे से मसाज करते हुए लगाती हूँ 2-3 मिनट्स के लिए एंड देन आई जस्ट वॉश इट ऑफ। नॉर्मल वाटर से मैं इसको वॉश कर लेती हूँ एंड इंस्टेंटली ना मेरा चेहरा एकदम क्लीन लगता है और काफ़ी ब्राइट दिखता है कि मतलब यू नो क्लीन हो गया है चेहरा, सारी इम्प्योरिटीज़, गंदगी सारी निकल गई है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, स्क्रबिंग हो गई, उसके बाद मैं फेस मास्क लगाती हूँ, दिस ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क, पूरे चेहरे पर इसको स्प्रेड करते हुए ऐसे लगा लेती हूँ। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत क्रीमी है, बहुत स्मूथ है एंड इट हैज़ नेचुरल क्लेज टू एब्जॉर्ब एक्सेस ऑयल। दिस इज़ वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग एक्सेस ऑयल। ऑयली स्किन हो जाती है ना समर्स में, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पोर्स विजिबल हो जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है पोर्स के लिए भी एंड एक्ने और ऑयल को कंट्रोल करने के लिए भी। सो उसके बाद ये फेस मास्क लगाना है एंड ये जो दोनों स्टेप्स हैं ना, ये आपको हफ्ते में 1-2 बार करने हैं। आप कम से कम एक बार तो कीजिए ही कीजिए, प्लस अगर आप किसी इवेंट में जाने वाले हैं तो एक दिन पहले आप कर सकते हैं, रात में आप शाम में कर लो। स्क्रबिंग कर ली, फेस मास्क लगा लिया, देन द लास्ट स्टेप इज दिस ग्रीन टी नाइट जेल, विच इज़ अ मैजिकल प्रोडक्ट फॉर मी। मैं रात को इसको यूज़ करती हूँ, रात को लगा के इसको सो जाती हूँ और बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं लगता है, एकदम बैलेंस्ड हाइड्रेशन मिलता है मेरी स्किन को। सो दिस इज़ अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर मी, घर पर रहकर ही बिल्कुल इजीली, हैसल फ्री है, कहीं जाना नहीं पड़ता, अपने घर में रहकर आप आराम से इसको कर लो और एक इंस्टेंट क्लीनअप हो जाता है, अच्छा एक ग्लो ऐड हो जाता है। सो यार, दिस इज़ हाउ आई यूज़ इट। आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं स्क्रब एंड फेस मास्क को एंड इस नाइट जेल को आप डेली अप्लाई कीजिए रात में एंड बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी स्किन। आप ट्राई करके ज़रूर देखना। ऑल्सो आप ही मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हैं GTAANCHAL10 फॉर 10% ऑफ। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं प्लम गुडनेस की वेबसाइट पे, बाकी ये दूसरी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। मैं लिंक सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, सो चेकआउट ज़रूर करना। अगर आपको ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है, एक्ने इश्यूज़ हैं,
समर्स में अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है तो समर्स में आपके स्किन मैनेजमेंट के लिए परफेक्ट सोल्यूशन है, आप ज़रूर ट्राई करना एक बार। और या चलिए अब नेक्स्ट हैक की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द नेक्स्ट लुक मैंने सेम रेड प्लाजो पैंट्स एंड क्रॉप टॉप को पहना है एंड इसके साथ मैं स्टाइल करने वाली हूँ अपने इस प्लेन रेड दुपट्टे को। ये नेट फैब्रिक में है एंड इसको मैं अपने इस स्ट्रैप में ऐसे स्टाइल करूँगी, अपने क्रॉप टॉप के स्ट्रैप में इसको लपेटते हुए अंदर की तरफ से ऐसे इसको निकाल लूँगी और ऐसे लपेटते हुए एक नॉट टाइप का यहाँ पर बन जाएगा। तो आप चाहें तो एक बार निकाल लो या फिर दो तीन बार भी आप इस तरह से ट्विस्ट करके लपेटते हुए निकाल सकते हैं इस दुपट्टे को। एंड देन आपको क्या करना है, इसको साड़ी वाला जो ड्रेप होता है ना उसकी तरह इसको एक लुक देना है, पीछे से ऐसे लाते हुए फैब्रिक को आगे टक कर लेना है एंड दैट्स इट। एक अच्छा सा स्टेटमेंट ज्वेलरी सेट आप इसके साथ बस पहन लीजिए तो पूरा जो आपका लुक है ना वो एकदम निखर के आएगा एंड आपकी सिंपल सी ड्रेस भी एकदम प्लेन आउटफिट भी आपका एक स्टेटमेंट लुक क्रिएट कर देगा। सो इस लुक को भी आप ट्राई करना, सब कुछ प्लेन सेम कलर में रखना, रेड कलर में जैसे मैंने क्रॉप टॉप पहना है, प्लाजो पहना है, रेड कलर में दुपट्टा रखा है, तो पूरा मोनोटोन लुक आप क्रिएट कर सकते हैं, मोनोक्रोम लुक क्रिएट कर सकते हैं, पूरा ब्लैक में वाइट में सब कुछ सेम रखेंगे ना तो काफ़ी पॉलिश लुक आपको मिलेगा। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू ऐड द स्टेटमेंट नेकलेस सेट एंड अ क्लच। ओके, सो अब मैं इस पार्टी गाउन को थोड़ा सा कन्वर्ट करूँगी वेडिंग लुक के लिए, बट इसमें ना ये साइड में स्लिट है और वेडिंग फंक्शन में पहनना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि फैमिली होगी, सब कोई होंगे वहाँ पर, तो मैं कंफर्टेबली इसको नहीं कैरी कर पाऊँगी। बट इसके अंदर से ना मैं एक लेयर ऐड कर सकती हूँ इस तरह से, ये ब्लैक कलर की मैंने अपनी फ्लेयर स्कर्ट अंदर से पहन ली एंड दैट्स इट। इसके फ्लेयर के साथ ये ऐड हो गई, पूरा जो स्लिट है वो कंसील हो गया एंड मेरी स्कर्ट का एक जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ गया। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मैंने इसके साथ बड़े बड़े चांद वाली ईयरिंग्स पहन लिए हैं एंड क्योंकि ये पूरी ड्रेस ब्लिंगी है तो मैं इसको रीयूज़ करना चाहती थी वेडिंग फंक्शन के लिए एंड दिस इज़ द परफेक्ट आइडिया। अगर आपके पास कोई ऐसी ड्रेस है बट उसमें साइड स्लिट है जिसकी वजह से आप उसको नहीं पहन पा रहे हैं तो आप ये ट्रिक फॉलो कीजिए, अंदर से उसके कोई लेयरिंग आप कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा ना उसका फ्लेयर आप देखिए, फ्लेयर होना ज़रूरी है। अगर आप ऐसी कोई फ्लोई ड्रेस के अंदर कुछ पहनेंगे, अगर लेगिंग टाइप का कुछ पहनेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, बट कुछ फ्लेयरी अगर आप पहनेंगे, लाइक अगर आप कोई स्कर्ट पहन लेंगे या फिर कोई प्लाजो पैंट अगर उसके अंदर पहन लेंगे तो वो बहुत अच्छे से ना कंसील आप कर सकते हैं। सो डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। नाउ फॉर समर वेडिंग्स बेस्ट है कि आप अपनी फ्लोई फैब्रिक वाली जो साड़ीज होती है ना उनको लहंगे में कन्वर्ट करके पहन लीजिए। शिफॉन साड़ी है, बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक रहता है समर्स में एंड लुक एट द प्रिंट, कितना प्यारा प्रिंट है समर्स में, कितना अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है, देखने से ही बड़ा अच्छा लग रहा है। सो इस तरह की जितनी भी साड़ीज़ है ना उनको आप स्टाइल कर सकते हैं, आप अपनी मम्मी की साड़ी ले सकते हैं, खुद की साड़ी ले सकते हैं एंड उसको एक लहंगे में कन्वर्ट करके पहन सकते हैं। सेकेंड एक और लुक मैंने इसका शेयर किया था अपनी पुरानी वीडियो में, दोनों लुक आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, बिल्कुल डिटेल में मैंने समझाया हुआ है किस तरह से ड्रेप करना है। इस लुक के लिए मैंने अपनी इस साड़ी को लहंगे के साथ ड्रेप किया है। सो दोनों ही लुक बहुत अच्छे हैं समर वेडिंग्स के लिए, आप इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर ड्रेपिंग ट्यूटोरियल देख सकते हैं। सो या ट्राई दिस आउट, क्योंकि ये भी बहुत अमेजिंग हैक है। जितनी भी पुरानी शिफॉन साड़ीज होती हैं, सिंपल साड़ीज होती हैं, उनसे आप गजब का स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं वेडिंग फंक्शंस के लिए। तो लास्ट मिनट अगर आप अपनी लूज कुर्ती का कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो इस आइडिया को आप फॉलो कर सकते हैं। मेरी ये कुर्ती वैसे तो काफी लूज नहीं है, बट इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आप फिटिंग कर सकते हैं अपनी कुर्ती की। इस तरह से लेना है दोनों तरफ से और अपने फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ हमें पिन लगा देना है इस तरह से। आप बहुत छोटा पिन यूज़ कीजिएगा यहाँ पर, मैंने थोड़ा बड़ा यूज़ किया है सो दैट वो आपको विजिबल रहे, दिखे आपको साफ साफ। बहुत छोटा पिन आप यहाँ पर लगाइए अंदर एंड देन उसके ऊपर से आप कोई बटन वगैरह लगा सकते हैं या फिर वेरी सिंपल आप कोई ईयरिंग लगा लीजिए। यहाँ पर मैं अपना ये ईयरिंग अटैच कर दूंगी इसके साथ, सेम कलर में रखा है मैंने अगेन।
आप कुछ और कलर में भी रख सकते हैं, जैसा आपका मन करे स्टाइलिंग आप कर सकते हैं, कुछ भी डिजाइनिंग बस यहाँ पर आप कर दीजिए जिससे ये पिन छुप जाए, एंड दैट्स इट। आप इसके साथ अच्छे से पैर अप कर लीजिए। इसको मैंने जीन्स के साथ पहना है, कुछ भी बॉटम वेयर के साथ पहन सकते हैं, लाइक प्लाजोज के साथ आप अपनी कुर्ती पहन लो, स्कर्ट के साथ पहन लो, जो भी आपको स्टाइलिंग करनी है अपने फंक्शन के हिसाब से उसके हिसाब से स्टाइलिंग कर लो, एंड दैट्स इट। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर लूज कुर्तीज, इंस्टेंट लास्ट मिनट आइडिया है, इसको जरूर ट्राई करना। सो गाइज, ये थे कुछ वेडिंग हैक्स जो आप ट्राई कर सकते हैं कमिंग वेडिंग सीजन के लिए या फिर किसी भी इवेंट के लिए जहाँ पर आपको एथनिक वेयर पहनना है, अपने एथनिक क्लोथ्स के साथ आप ये जुगाड़बाजी कर सकते हैं। सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कौन सा वाला हैक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा वाला लुक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। एंड येस, अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना गाइज। और भी अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर भी मेरा आईडी है माय ऑलिव ट्रेंड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अब आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।